हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, एपी के इन शॉर्ट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखो समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है? देखो, ऐसा श्रेणी या फिर नंबरों का ऐसा सिक्वेंस जिसके अंदर हर टर्म में, अगर दो टर्म के अगर मैं उनके अंतर की बात करता हूँ, तो उनमें क्या आना चाहिए? एक समान अंतर आना चाहिए। यानी कि एक ऐसा सिक्वेंस या एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर पद के बाद एक क्या हो, समान अंतर आ रहा हो, तो उसको मैं क्या कहूँगा? समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने यहाँ पर नंबरों का कुछ सीक्वेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखोगे कि पहले वाला जो टर्म होगा आपका, यानी कि 1, वो दूसरे अगले अपने से आगे वाले का क्या है, एक कम है। वो कैसे पता लगा? अगर मैं इसको लेता हूँ दूसरा, ये पहला पद हो गया मेरा, ये मेरा दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद, और इस तरह से चौथा पाँचवा सारे हो गए। यानी कि टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब मुझे सीक्वेंस कैसे पता लगा कि अगर मैं इसके अंदर से सेकंड टर्म से, यानी कि सेकंड टर्म, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ T2। ठीक है, T2 बोल दिया सेकंड टर्म को मैंने, और माइनस करता हूँ का T1 को, ये आपकी T1 टर्म हो गई है। अगर माइनस करता हूँ तो T2 कितना आपका? 2, माइनस T1 कितना है? 1, तो कितना आता है? 1। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो क्या कि T3 माइनस को T2, यानी कि अपने से प्रीवियस वाले को अगर माइनस करते हो, तो आपको एक समान अंतर या एक समान डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आपको देखो तीसरा टर्म कितना है? 3, और माइनस T2 कितना है? 2। तो यहाँ पर भी एक आया। इसी तरह से T4 कर सकते हो आप, और यहाँ पर T3, और यहाँ पर कितना आएगा आपका? 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1। तो आप क्या देख रहे हो कि हर एक टर्म के अंदर आप अपनी प्रीवियस टर्म को माइनस करने पर जो आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, यानी कि एक नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई रूल लगाकर उनको अरेंज किया गया हो, और उनमें से अपने दूसरे नंबर में से अगर मैं पहला को माइनस करता हूँ, तो को जो भी डिफरेंस आता है वो बराबर किसके हो जाता है? तो अगर मैं तीसरे को माइनस करता हूँ दूसरे में से, और उसका अंतर भी उतना ही आता है जितना आता है क्या, पहले का जो माइनस करने पर दूसरे से। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँ, मेरा समान अंतर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट हो गया मेरा, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप यहाँ क्या देखोगे, इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। 6 में से उसको माइनस करो, यानी कि अपने प्रीवियस वाले में से माइनस करना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचता है? 2। 8 में से 6 को माइनस करो तो कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करो 10 को, तो कितना आएगा आपका? देखो 2 आ रहा है यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्या रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, समांतर श्रेणी। यानी कि वर्ड का ये जो हमारे पास में जो संख्या लिखी है, यानी कि संख्याओं का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई रूल लगाकर उनको अरेंजमेंट किया गया हो, और उसमें से क्या एक समान अंतर हमें मिल रहा हो। ठीक है, देखो समान अंतर बता रहा सब में, और समान अंतर को मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी तो ये होती है जिसके अंदर कोई रूल लगाकर संख्याओं को अरेंजमेंट किया गया हो, या फिर जो हमें जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं अगर दूसरी बात करता हूँ, जैसे तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या आपका 100, और ये फिर आपका 200, 300, 400 एंड 500। ये मेरे पास में कुछ सीक्वेंस लिखा है, यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा। तो 200 में से माइनस करूँगा मैं 100 को, तो कितना आएगा मेरे पास में? 100 आता है। 300 में से अगर मैं माइनस करता हूँ उसका प्रीवियस नंबर 200 को, तो कितना आएगा? 100। ठीक है, और इसी तरह से मैं 400 को माइनस करता हूँ कितना? 300 में, तो कितना आएगा? 100। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, जो मेरा डिफरेंस आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी कि 100 100 100। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। बट समांतर श्रेणी कौन सी नहीं होगी, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते थोड़ा। जैसे एक मेरे पास में एग्जाम्पल है, जैसे 1, 4, 5, 7, 9 और 10, 12, 13। ठीक है, अब इसका डिफरेंस चेक करते हैं। देखो इसमें से इसको माइनस करो, 4 को अगर माइनस करा हमने कितने से, सॉरी आपने 4 में से माइनस करा 1 को, तो कितना बचता है आपका?
तीन, और फाइव में से माइनस करा आपने फोर को तो कितना बचता है आपका वन आ रहा है, सात में से माइनस करा किसको पाँच को तो बचता है दो। तो आप क्या देख रहे हो हर टर्म के अंदर अगर माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंट है हर टर्म में। देखो आप इसमें से उसको माइनस करो नाइन में से सेवन को, देखो कितना आ रहा है, हाँ दो आ रहा है, इन दोनों में सेम आ गया बट यहाँ पर तो क्या है डिफरेंट है, तो इसलिए क्या है समानता श्रेणी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा सीक्वेंस आपके पास में होना चाहिए जिसके अंदर हमारा एक समान डिफरेंस आ रहा हो निकल कर, तो उसको हम क्या बोल लेंगे कि वो हमारा समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे डीपली में। जैसे एक मेरे पास में समांतर श्रेणी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, यहाँ कॉमा है आपका, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी और ए प्लस फाइव डी एंड सो। ये आपका क्या है जनरल फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी को पता कर सकते हो कि उसके अंदर अंतर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद ए है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, और उसके बाद आपका चौथा पद ए प्लस थ्री डी। तो इसी तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी हम सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं एक बार कि सीक्वेंस यहाँ कितना आ रहा है। देखो पहला पद जो है आपका ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है। ठीक है, तो ए प्लस डी हमने माइनस क्या करा है यहाँ से ए करा, तो देखो कितना आया मेरे पास में डी आ रहा है। इस तरह से इसमें से माइनस करता हूँ मैं ए प्लस टू डी में से इसका प्रीवियस वाला टर्म, तो ए प्लस ये माइनस हो गया डी आपका, तो देखते हैं कितना आएगा। वो माइनस और प्लस का ए तो कैंसिल, ये टू डी है माइनस का डी, तो कितना बचता है डी बचता है आपका, यानी कि देखो डी आ रहा दोनों में से। इस बार इस वाले में से इसको माइनस करो, तो ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस, ये माइनस अंदर गया तो टू डी हो गया, और देखते हैं ए से ए कैंसिल, तीन में से दो गए तो एक डी बचा। ठीक है, और इसी तरह से ए प्लस फोर डी में से अगर माइनस करता हूँ मैं क्या, ए प्लस यहाँ माइनस आ गया अंदर ये, तो थ्री डी हो चुका है, और यहाँ पर देखते क्या बचता है ए से ए कैंसिल, पाँच चार में से आपका गया कितना तीन, तो बचता है डी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर भी एक समान डिफरेंस आ रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ डी आ रहा है मेरे पास में। तो ये भी क्या अपने आप में एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आपकी समांतर श्रेणी वो होगी जिसके अंदर हमारा क्या एक समान अंतर हमें मिलने वाला है जिसको बोले कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके बारे में कुछ, यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले आएंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं अब समांतर श्रेणी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखो वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जोड़ी या घटाई जाने वाली अचर राशि इस समांतर श्रेणी का पदांतर या फिर सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाती है। पदांतर या सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, श्रेणी के प्रथम पद को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है डेफिनेशन प्रॉपर, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ श्रेणी को यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से है देखो, जैसे लिखा है तीन पाँच सात नौ ग्यारह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास में लिखा है सेकंड, ये छः नौ बारह पंद्रह अट्ठारह डॉट डॉट डॉट। तीसरा एक एग्जाम्पल है मेरे पास में ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी और उसके बाद डॉट डॉट। ऐसे मेरे पास में फोर्थ एग्जाम्पल है, वो लिखा है कि ए ए माइनस डी ए माइनस टू डी और उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है। तो ये जो भी श्रेणी हमारी क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक है, और जितने इसके अंदर ये पद आ रहे हैं, जैसे ये तीन है पाँच है सात है, यहाँ पर छः है नौ है पंद्रह है या अठारह है, कोई से भी टर्म आ रहा है, इनको हम क्या कहेंगे श्रेणी के पद है। ठीक है, और इन पद को हमें कोई एक नाम देते हैं, क्या नाम रहेगा। अगर पहले पद की बात करता हूँ तो पहला पद तो ए रहता ही आपका। ठीक है, तो श्रेणी के जो पद होगा ना क्रमशः उसको कैसे निरूपित करते हैं डिनोट करते हैं, जैसे टी वन हो गया आपका, दूसरा टी टू हो गया, तीसरा टी थ्री हो गया एंड टी फोर हो गया एंड टी फाइव। ठीक है, या फिर स्मॉल टी वन भी दिखा सकते हो आप, स्मॉल टी टू टी थ्री एंड टी फोर। ठीक है, आप किसी भी तरह से इसको दिखा सकते हो।
पर जो बेसिक हम यूज़ करने वाले कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, आप चाहो तो स्मॉल भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का अगर हमें पदांतर या सर्वांतर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी समांतर श्रेणी का, तो अब देखते हैं इस टॉपिक को भी हम। तो स्टूडेंट हमारे पास में टॉपिक है कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करना है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी, ठीक है। अब वो जो कॉमन डिफरेंस है या सर्वांतर है उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसका देखो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास में सीक्वेंस दिया हो, कोई भी श्रेणी दिया हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस नंबर का हम फाइंड आउट करेंगे सीक्वेंस, ठीक है, या फिर उसका सर्वांतर हमें चेक करना है क्या है, तो हम क्या करेंगे उससे प्रीवियस वो जो अभी हमारा उसके अंदर पद होगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो उससे हम दोनों का क्या पता लग जाएगा, पदांतर या सर्वांतर पता लग जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्वांतर डी बराबर, मैं उसका एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर कि सर्वांतर डी बराबर क्या होता है मेरा कि टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई सीक्वेंस दिया है तो मैं ये वाला उसके अंदर फॉर्म लगाऊंगा कि दूसरे पद में से पहला घटाऊंगा या तीसरे में से दूसरा घटाऊंगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या कि टी थ्री माइनस टी टू, क्यों लिख सकते हो इस तरह से आप, क्योंकि हर टर्म के अंदर जो सर्वांतर आपको मिलने वाला है समांतर श्रेणी में क्या रहता है, बराबर रहता है, तो इसलिए ये भी क्या आप इसमें बराबर हो गए, ठीक है। इनका डिफरेंस तो लिख रहे हैं बस हम, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या टी फोर माइनस का टी थ्री भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ऐसे ही आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। एंड फाइनली जो हमारे पास में एक चीज़ आएगी निकल कर कि टी आर, ये स्मॉल आर है और ये माइनस हो जाएगा आपका टी आर माइनस वन से, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, जो टी आर क्या है ये आपका टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, पर जो आर माइनस वन है इससे क्या है कम है आपका, ठीक है। तो इस तरह देखो जैसे आर की वैल्यू यहाँ पर दो है तो उसकी भी आर माइनस वन हो गई क्योंकि आपने क्या कर दिया कम कर दिया, ठीक है। तो टी आर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेहर, जहाँ टी आर का मीनिंग जो है आर व पद, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आर व पद या फिर आर्थ ट्रम, ठीक है। इस तरह से जो हमारा टी आर माइनस वन है वो क्या है हमारा आर माइनस वन व पद या फिर आर माइनस वन ट्रम, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी श्रेणी का हम क्या कर सकते हैं उसका पदांतर या फिर सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन शॉर्ट हम इस समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, ए पी बोलते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना हम इसको ए पी ही आगे पढ़ने वाले, ठीक है, पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट ए पी से काम चलेगा हमारा, ठीक है। तो हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि समांतर श्रेणी दिया है 10, 8, 6, 4 और चल रहा है आपका ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आप तो एक तो बताएं आपको कि प्रथम पद क्या है यहाँ पर आपका, ठीक है, कि प्रथम पद पूछा है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ए, कि वो क्या है आपका। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपका पूछा कि सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो दो चीज़ पूछी इस क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी श्रेणी आपके पास में दी होगी, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टर्म होगी आपकी वो क्या होगी, प्रथम पद होगा हमेशा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं पहले कि प्रथम पद बराबर आपका कितना हो जाएगा, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म जिसको मैं बोलता हूँ ए, ठीक है, वो कितनी होगी मेरे पास में 10। अब निकालते हैं सर्वांतर यानी कि डी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वांतर डी बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था टी टू माइनस टी वन होता है आपका, ठीक है, तो टी टू माइनस टी वन या फिर टी थ्री माइनस टी टू या फिर टी फोर माइनस टी थ्री, यानी कि जो भी आपने टर्म उठाई पहले और उसमें से जो उसके पीछे वाला जो भी टर्म है उसको माइनस करना, जैसे अगर मैं इसको उठाता हूँ तो उसमें से इसको माइनस करना होगा, इसको अगर इसमें से उठाता हूँ तो इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो टी टू आपका यहाँ पर कितना है 8, टी वन आपका है कितना 10, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस का 2, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो कि टी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही, देखो इस बार मैंने लगाया टी थ्री माइनस टी टू, यानी जो टर्म आप उठा रहे हो उससे प्रीवियस वाला जो है आपको उसको उठाना है, ठीक है, बस प्रथम पद को छोड़कर आपको फर्स्ट टर्म पर अप्लाई नहीं करना क्योंकि आपका ए बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टी थ्री आपका कितना है 6, टी टू आपका 8 है, जब आप उसको सोल्व करोगे तो माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा डी निकाल सकते हो क्या टी फोर माइनस टी थ्री, तो टी फोर आपका कितना है 4 माइनस टी थ्री कितना है आपका 6,
तो कितना आएगा माइनस का 2। तो आप क्या देख रहे हो, सबके अंदर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है कि 2, 5, 8, 11, ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर वही पूछा है कि प्रथम पद क्या है, जिसको हम ए बोलते हैं, सर्वांतर क्या है, डी, ठीक है, वो चीज़ लगा दे। तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, जो पहला पद होगा हमेशा वो ए ही रहेगा, ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब पूछा है कि सर्वांतर कितना है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो डी क्या होगा आपका, दूसरे में से पहला घटा दीजिए आप, तो 5 - 2 कितना आ गया, 3, या फिर तीसरे में दूसरा, यानी कि जो भी आपने टर्म उठाया उससे प्रीवियस वाले को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखो आप इससे निकाल सकते हो 8 - 5, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और यहाँ पर देखते हैं कि 11 - 8, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3। और आपको जो सर्वांतर निकालना है कि समांतर श्रेणी का, बस एक बार निकालना होता है, शुरू की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। ये तो बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सर्वांतर सब में एक जैसा रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि सर्वांतर इस श्रेणी के अंदर क्या है, एकदम सेम आ रहा है, तो इसलिए समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जब क्वेश्चन सोल्व करोगे एक बार डी निकालना है, और उससे अपना काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि सम के अंदर माइनस 2 आया है, यहाँ पर आया 3, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, देख सकते हैं कि इससे हमारे एक जनरल फॉर्म बन के आता है समांतर श्रेणी का, जिसको हम बोलते हैं कि ए ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D और ए प्लस 4D। ये जो हमारे पास में पैटर्न बन के आई है कि जो उनका डिफरेंस आ रहा है -2 - 2 आ रहा है, तो इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर देखो मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ, तो ए प्लस डी माइनस का ए करूँगा, ठीक है, प्रथम पद तो ए ही है, मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर कितना है, तो ए से ए कैंसिल, तो डी इक्वल टू डी आ गया, यानी कि हमारा सी सेट ही सही हो रही है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ए प्लस 2D माइनस किसको करोगे, ए प्लस डी को, तो ए माइनस डी हो जाएगा क्योंकि माइनस आपका अंदर आ चुका है, ठीक है, ए से ए कैंसिल, और 2D में से जब आप डी को माइनस करोगे तो कितना बचता है आपके पास में, डी बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी आ रहा है, इस पर भी चेक करते हैं क्या, ए प्लस 3D माइनस करना है आपको ए प्लस 2D, यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या, माइनस और इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2 आपका बचता है डी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चीज़ बच रही है, आप क्या देख रहे हो, डी बच रहा है हर टर्म के अंदर, जो माइनस करने पर जो सर्वांतर आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हमारा जो श्रेणी है या ये वाला है, तो इस पैटर्न को शो कर रहे हैं, इसको निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो सर्वांतर इसका कितना है, डी है, तो यहाँ पर सर्वांतर हम लिख सकते हैं क्या आ रहा है, डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 3, और यहाँ पर -2, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ए पी ए 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 के लिए प्रथम पद और सर्वांतर डी लिखिए, या ज्ञान को फाइंड आउट करना है दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले श्रेणी लिखिए, यहाँ पर सोल्व करते वक्त श्रेणी या फिर आपको सीरीज क्या दी हुई है, ए पी दी है आपको 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 कोमा -(-), ठीक है। ये आपको क्या दी है, एक श्रेणी दी है। अब आपको यहाँ पर निकालना कि प्रथम पद इनके फर्स्ट टर्म क्या है उसके अंदर, और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो प्रथम पद आप क्या लिखोगे, प्रथम पद जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो फर्स्ट टर्म आपकी जो हमेशा होगी शुरू वाली टर्म होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी 3/2 आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या सर्वांतर, तो सर्वांतर आपको होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और वो कैसे निकलेगा कि दूसरे वाले टर्म से प्रीवियस आपकी जो टर्म होगी उसको माइनस कर दो, या फिर जो भी आपने टर्म उठाई है सिर्फ पहले टर्म को छोड़कर, और आप जो उनसे भी टर्म उठा रहे हो उसमें से उसको प्रीवियस वाली को माइनस कर देना है। जैसे अगर आपने ये उठाई तो इसमें से इसको माइनस करना है, अगर आपने ये वाला उठाया तो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उठाता हूँ 1/2, उसको माइनस करूँगा कितना 3/2, तो यहाँ पर मैंने 1/2 उठाया और माइनस क्या करा मैंने 3/2, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लगे तो सोल्व करते हैं, 2 तो आपके एलसीएम आ चुके हैं, और जब भी आपके नीचे वाली जो एलसीएम लेते वक्त नीचे वाली टर्म एक समान होती है, तो 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ऊपर वाली जो टर्म होगी आपकी वो भी ऐसी आ जाएगी, ठीक है। जब आपको सोल्व करेगा तो माइनस का 2 बचेगा और अपॉन 2 इट मीन्स माइनस का 1 बचता है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आप एक बार इस पर चेक कर लीजिए कि यहाँ पर भी ये बात सही हो रही है नहीं हो रही है,
तो इस पे चेक करते हैं देखो, तो माइनस का 1/2 माइनस करना है आपको कितना, 1/2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम देखो कितना आएगा, आप 1/2 आपका एलसीएम आया, यहाँ पर, यहाँ पर आपका 2 एलसीएम, और ऊपर वाली टर्म कैसे आएगी, बिल्कुल ऐसे लिखी जाएगी, तो -1 और -1, ये माइनस का 2 हो गया, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि दो जो हमारा सर्वांतर कॉमन डिफरेंस आया दोनों में क्या रहा, -1 और -1 आ रहा है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे, थोड़ा अलग है, उसको अच्छे समझना, उससे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास में नया क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी बताओ कि कौन सी है, इनमें से बताना कि आपको कौन सी समांतर श्रेणी इन चारों में से, और दूसरी चीज की यदि समांतर श्रेणी में है तो उसके दो अगले पद या टर्म भी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके चार पार्ट दिए हैं, चारों को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिखा, तो सबसे पहले अगर हम इसमें प्रथम पद की बात करेंगे तो हम चारों में से प्रथम पद निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म होगी आप क्या होगा आपका, प्रथम पद ही होगा, ठीक है। जो मेन चीज़ यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर, अगर आपने उसको फाइंड आउट कर लिया और आपने उसको वेरीफाई करा किस तरह से, कि अगर वो हर टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो समांतर श्रेणी में है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। और उसी के बेस पे हम अपने अगले दो टर्म या दो पद निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं बोलता हूँ ये T1 है, ये T2 है, और ये आपका T3 है, T4 है, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया कुछ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ T2 - T1, तो कितना आएगा, 10 - 4 कितना होता है आपका, 6। इस तरह से T3 - T2 हो जाएगा, वो कितना है, 16 - 10, ये कितना है आपका, 6 आया। और इसी तरह से T4 - T3, ये आपका 22 - 16, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये क्या है, एपी के अंदर है या समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो आप इसी के बेस पर अगले इसके दो टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर मैंने लिखा है ना T2 - T1, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, A4 - A1, ठीक है, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3, ठीक है। आप इस बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप स्मॉल टी भी इसे डिनोट कर सकते हो, आप जो भी अलग अलग बुक में जो कंसेप्ट है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। जो मैं यूज़ करने वाला हूँ कैपिटल टी यू करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आया है, जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, हमारा सब में क्या है, 6 है। और इसी के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, अगली टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर T4 में अगर 6 ऐड कर दूँ, ये वाला जो डिफरेंस आया, तो मेरे पास में अगली टर्म आएगी नहीं, वो कि क्या होगी, T5 होगी। और T5 मेरा कितना आ जाएगा, देखो T4 कितना है मेरा, वो 22 + 6, तो यानी कि T5 कितना आ जाएगा मेरा, देखो इनको ऐड कर दो आप, तो 28 हो गया T5, ठीक है। यानी कि जो आपकी अगली टर्म है T5 होगी, वो इसी तरह से आप निकाल सकते हो क्या, T5 + 6, वो आएगा कितना आ जाएगा, T6 आ जाएगा। तो T5 आपने निकाला कितना, 28 और +6 और T6। अब आप क्या करोगे, इनको भी ऐड कर दीजिए, तो 28 और 6 होता है आपका 34, ठीक है। तो आपका T6 कितना आ गया आपका, 34 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो पद इसके फाइंड आउट कर लिए, अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड में हमें दिया है कि 1 - 1 - 3 और - 5, ठीक है, ये हमें श्रेणी दी है, कोई प्रथम पद की जरूरत नहीं है, बस हमें डिफरेंस पता करना है कितना है। तो D = कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, और यहाँ पर -1, तो कितना है, -2 आया, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, तो -3 और -, आपको देखो पहले से रखा है, एक माइनस पहले से आ गया, यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ये -- कितना होगा, प्लस, और ये -3 चल रहा है यहाँ पर आपका, तो कितना आएगा, -2 आ गया। इस अगले पे चेक करते हैं आप क्या, -5 और -3, और ये कितना हो जाएगा, -5, ये हो गया आपका +3, तो यहाँ पर -2। यहाँ पर हमने क्या करा कि इसका मतलब ये है कि T2 - T1 करा हमने, और यहाँ पर T3 - T2 किया है, यहाँ पर T3 - T2 किया है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमारा -2 - 2 - 2 सब में क्या आ रहा है, हमारा समान अंतर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, AP के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगले टर्म निकाल सकते हो क्या आ जाएगा आपके पास में, यानी कि कितने टर्म दिए, 4, तो आप अगले टर्म भी बता सकते हो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपका T3 - T2, और यहाँ पर T3 - T2 - T1, T3 - T2, यहाँ पर आपका आएगा T4, और माइनस यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर आपका आएगा T5 - T3, ठीक है। तो T5 कैसे आएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा 4, तो T4 निकालने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए,
टी फाइव, बट आपका टी फाइव जो टी फोर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे अगले अगले टर्म निकालने के लिए इनके, इसको मानता हूँ मैं टी वन, ये टी टू एंड ये टी थ्री और ये टी फोर, अगले मुझे निकालने टर्म अगली क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा टी फोर में मैं ऐड करूँगा कितना माइनस का टू, और वो किसके इक्वल होगी टी फाइव के इक्वल होगी, ठीक है। तो टी फोर मेरा कितना दिया है देखो, जो यहाँ पर है माइनस का पाँच है, और ये कितना है माइनस का दो, माइनस के अंदर ऐड करा तो ये मेरा आ गया कितना टी फाइव है, इट मीन्स माइनस का कितना आएगा सेवन, ये टी फाइव आ चुका है मेरे पास में, ठीक है। और इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ अपना क्या टी सिक्स, तो टी सिक्स कब निकलेगा यानी कि टी फाइव प्लस माइनस का टू, और ये कितना हो जाएगा मेरा टी सिक्स, तो टी फाइव कितना है मेरा माइनस का सात और प्लस माइनस का दो, और टी सिक्स यानी कि माइनस का नाइन हो गया, ये आ गया पर टी सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी समांतर श्रेणी के क्या निकाल सकते हो, पद निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ चेक करना है कि आपके आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें से इसका डिफरेंस लेकर देखिए, जैसे आपने टी फोर टी फाइव माइनस टी फोर किया ना, तो यहाँ पर आप करोगे टी फाइव कितना निकाला आपने देखो माइनस का सात, तो माइनस सात रखा आपने, इसके लिए टी फाइव माइनस सात रखा और माइनस टी फोर, टी फोर कितना आपका माइनस का पाँच, सॉल्व करते हैं इसको माइनस का सात या आपका प्लस का पाँच, कितना आ गया माइनस का दो, ठीक है। इसे भी चेक कर लेते हैं यानी कि टी सिक्स माइनस टी फाइव, तो टी सिक्स कितना आपके पास में माइनस का नौ, और माइनस टी फाइव कितना आपके पास माइनस का सात, तो चेक करते हैं कितना देखो ये प्लस हो गया, तो माइनस का नौ प्लस का सात बराबर कितना है माइनस का दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो माइनस वन और सॉरी वन माइनस वन और माइनस का तीन और माइनस फाइव डॉट 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 आर इन ए पी, ठीक है, यानी कि ये सब हमारे किस में है ए पी में है या समांतर श्रेणी में। आप इस तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हो क्या कि यहाँ पर लिख देना आप उसको चीज को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या कि चार दस सोलह बाईस डॉट 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 आर इन ए पी, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका जो हमारे पास में थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में क्या दिया है देखो, यहाँ पर दिया है माइनस टू टू माइनस टू टू माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं तो टी वन टू माइनस टी वन कितना है आपके पास में, देखो टू कितना आपके पास में, यहाँ पर नाम डिफाइन कर दीजिए इस पे पहले, ये टी फोर एंड टी फाइव, ठीक है। तो टी टू की वैल्यू कितनी है दो माइनस टी वन, टी वन कितना है माइनस पहले से ही, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो आपका चार हो गया। अब हम चेक करते हैं टी थ्री माइनस टी टू, तो टी थ्री माइनस का टी टू कितना है आपके पास में, टी थ्री कितना माइनस का दो, टी टू कितना आपके पास दो, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है माइनस का चार आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखो समान अंतर नहीं आया, एक बार यहाँ पर प्लस है एक बार क्या है एक बार माइनस है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी श्रेणी है समांतर श्रेणी में नहीं है। एक बार हम अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार क्या पता वहाँ पर सेम आ जाए, तो टी फोर माइनस का टी थ्री, तो टी फोर कितना आपका दो और माइनस टी थ्री कितना है माइनस का दो, तो माइनस दो यहाँ पर हमने करा तो कितना आया प्लस का चार, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर प्लस का चार आ गया इस बार। तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस टू टू माइनस टू टू माइनस टू आर नॉट इन ए पी, ठीक है। तो ए पी में नहीं है। अब हम लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं इस बार कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, तो यहीं इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हमारा फोर्थ पार्ट कि वन 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 टू टू एंड थ्री थ्री थ्री, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर डी वो निकालोगे ट्रम, यहाँ पर डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं, टी थ्री हो गया पहले टी फाइव और टी फोर एंड टी फाइव टी सिक्स एंड टी सेवन टी एट एंड टी नाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं पहले टी टू माइनस टी वन कितना आ रहा है आपके पास में, जीरो आएगा। देखो वन माइनस वन जी वही होता है आपका। फिर आप देखोगे क्या टी थ्री माइनस का टी टू, तो ये भी जीरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टी फोर माइनस टी थ्री, तो टी फोर कितना आपके पास में दो है इस बार, और माइनस टी थ्री कितना है वन, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना वन, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो स्टार्टिंग में आपको जीरो मिले दो, बट उसके बाद में आपको क्या आ गया वन आ गया है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं हम दूसरे वाला, तो टी फाइव माइनस का टी फोर, तो वहाँ पर देखते हैं टी फोर कितना आपका टू और टी फोर कितना है दो, उसके बाद में कितना है जीरो आ गया। तो यहाँ पर भी आपको जो सिक्वेंस है समांतर जो आना चाहिए था यहाँ पर समांतर, वो क्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नॉट ए पी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे वन 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 टू टू
टू थ्री 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 आर नॉट, यहाँ पर डॉट डॉट है, आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड के साथ में इसको ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।